दोस्तों आज हम लोग बैठे हैं ऑटो रिक्शा में और अभी क्रॉस करने जा रहे हैं शॉपरिक्स मॉल, और हमने पार कर लिया शॉपरिक्स मॉल। और देख सकते हैं मेरठ में रैपिड रेल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी हम लोग आ पहुंचे हैं प्रतापपुर। वो देखिए सीधा हाथ पे अगर राइट साइड में टर्न मारेंगे तो वापस यू टर्न लेके पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस हाईवे पे। नहीं कि आज हम लोग जा रहे हैं फिलहाल सामने भुरबराल, क्योंकि यहाँ से रैपिड शुरू हो चुकी है। मतलब भुरबराल बोलो तो वही मेरठ साउथ जो आप बता रहे हैं आजकल कि वहाँ से शुरू हो गई रैपिड रेल, तो ये वो है प्रतापपुर के जस्ट पास है। कई महीने इंतजार करने के बाद अब जाके शुरू हुई है ये भुरबराल से रैपिड रेल, तो प्रतापपुर के पास ही है। तो देखिए सामने आ चुका है भुरबराल का रैपिड रेल स्टेशन। तो अभी रैपिड रेल जो चल रही है सिर्फ साहिबा तक ही चल रही है, आगे नहीं जा रही है, आनंद विहार सायरा खान नहीं जा रही है, आगे ही कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हुई है। तो हमें साहिबाद से ऑटो से वैशाली मेट्रो जाना होगा, वहाँ से मेट्रो पकड़ के आगे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों हम लोग आप पहुँचे हैं भुरबराल के रैपिड रेल स्टेशन पे, और दो दिन ही हुए हैं इसको स्टार्ट होकर, आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। दिन के अंदर देखिए दोस्तों इतनी सारी पार्किंग में गाड़ियां आ गई, देखिए थार भी आ गई, सब कुछ आ गई यहाँ पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी एक्सप्रेस हाईवे को त्याग के, लोगों ने प्रिफर करा है कि रैपिड रेल से जाएं। तो देख सकते हैं आप मेरे सामने आ गया है रैपिड रेल का स्टेशन, यहाँ पर हमें ऊपर जाना है और यह है एंट्रेंस यहाँ की। तो हम लोग आ गए भुरबराल पे जिसको बोलते हैं मेरठ साउथ का रेलवे स्टेशन, और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में आ चुकी हैं मेरठ वालों की, जिन्होंने अपना त्याग दिया हाईवे से जाना, क्योंकि काफ़ी हद तक जाम में फंसते थे। तो अब इससे रिलैक्स होके जाएंगे, हम भी आज इससे ही जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, इधर से जाएंगे एलिवेटर से ऊपर, तो चलिए हमारे साथ। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो 15 मिनट के कैब के बाद से दूसरी रैपिड आएगी, जल्दी से पहुँचते हैं ऊपर, क्योंकि हर रैपिड रेल के बाद दूसरी जो रैपिड रेल आती है वो 15 मिनट की कैब से आती है, इससे ये निकल गई तो हमें 15 मिनट यहाँ वेट करना पड़ जाएगा। हम लोग कर चुके हैं सिक्योरिटी चेक इन, और अब हम जा रहे हैं ऊपर स्टेशन की तरफ। टिकट हमने ले लिया है, टिकट यहाँ से जो है भुरबराल से साहिबाद तक का जो टिकट है आपका 110 रुपये का है, और अगर प्रीमियम में आप टिकट लेते हैं तो वो 220 रुपये का, एकदम डबल है। फैसिलिटी हमें पता नहीं इसके अंदर में क्या है, लेकिन हाँ टिकट डबल है। फिर कभी हम जाएंगे प्रीमियम में तो आपको दिखाएंगे प्रीमियम की राइड भी। एलिवेटर बंद है, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते हैं। सो फाइनली हमने रैपिड पकड़ ली, और देखिए सामने डिस्प्ले लग रहा है दोनों तरफ में जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है, प्लस आपकी रैपिड की स्पीड भी आएगी, क्या स्पीड से आपकी रैपिड चल रही है वो यहीं पर डिस्प्ले करेंगे हम आगे चल के। हम लोग बैठे हैं सबसे आगे की सीट पर। तो हमारी रैपिड रेल शुरू हो चुकी है और काफ़ी तेज़ी से चल रही है दोस्तों यहाँ पर, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब मोदी नगर पार हो रहा है, कब भुरबराल पार हो गया, और अब हम पहुँचने वाले हैं मोदी नगर। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मोदी नगर नॉर्थ रैपिड रेल स्टेशन पर। मोदी नगर में दो रैपिड रेल स्टेशन, सबके चेहरों पे मुस्कान है रैपिड रेल में जितने भी लोग बैठे हैं, कई लोग तो शूटिंग कर रहे हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सबके सब पहली बार बैठ के आनंद ले रहे हैं और इसके अंदर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए स्पीड 151 152, इस प्रकार से स्पीड बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमम स्पीड हमने देख रखा है इसमें 158 159 तक, और 160 तक इसकी स्पीड जाती भी है। तो हमने अपने आंखों से खुद देखा है कि 160 तक इसकी स्पीड जाते हुए भी देखा हमने। मेरठ से इतना आदमी चढ़ा है इसके अंदर में कि लगभग कि मोदी नगर आने तक हाउस फुल सा हो गया था मैटर यहाँ पर। ये देखिए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं, नहीं कि USB वाला दे रखा है, अगर यहाँ पर चार्जिंग प्लग वाला सॉकेट देते तो ही क्या बिगड़ जाता। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारा साहिबाद स्टेशन आ गया, उतरने का टाइम आ गया है। यहाँ पर बाबा अनाउंसमेंट होती है कि दरवाज़ा खोलने के लिए ये बटन दबाए, नहीं कि जरूरत ही नहीं पड़ती, दरवाज़ा अपना खुल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं, हम उतर चुके हैं लास्ट स्टेशन पे। यही वो रैपिड रेल है जिससे हम आए थे, और ये यहाँ पर अभी खड़ी हुई है। धन्य है ये रैपिड रेल जिसने हमें टाइम पे यहाँ पर पहुँचा दिया, और हम सरकार को भी थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी और आसान और सुलभ कर दिया हमारे लिए। काफ़ी भव्य स्टेशन है, लेकिन कूलिंग का अरेंजमेंट अभी फिलहाल बहुत कम है। ये देखिए मॉडल बना रखा है यहाँ पर कि रैपिड रेल कहाँ से होते हुए किन किन स्टेशन में होते हुए कैसे पहुँचेगी सराय काले खां, पूरा इसमें डेमोग्राफी दे रखा है आपको। और रात के समय काफ़ी सुंदर लगता है क्योंकि इसके अंदर हमें लाइटिंग जल जाती है। इट्स टाइम टू एग्जिट। तो हमने इस टिकट को यहाँ पंच करा और गेट खुल गया, अभी हमने कार्ड नहीं बनवाया क्योंकि कोई फायदा नहीं उसमें। चेकआउट हम कर चुके हैं, और ये देखिए सामने वो रास्ता है जहाँ से हम आए थे, और हम दिखाते हैं वो रास्ता और जहाँ पर हमें अब जाना है। ये देखिए ये वो रास्ता है जहाँ पर हमें जाना है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग लैंड कर चुके हैं साहिबाद के रैपिड रेल स्टेशन पे,
तो अब हम यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो रिक्शा और जाएंगे वैशाली मेट्रो तक, वहाँ से हम मेट्रो पकड़ के जाएंगे सीधा मंडी हाउस। 2 मिनट इंतजार करने के बाद हमें ऑटो वाले भैया मिल गए जो हमें लेके जा रहे हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन तक। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो के अंदर में, अब जा रहे हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन। हम लोग आ पहुँचे हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पर। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पर और अपनी यहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधा यहाँ से हम सीधा निकलेंगे नई दिल्ली के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नई दिल्ली और भुटबड़ाल जो रैपिड रेल स्टेशन है वहाँ से लेकर साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन तक हमें लगा कुल 24 मिनट, लेकिन आगे तक के डिस्टेंस में मतलब जैसे हमें ऑटो से जाने में टाइम लग गया काफ़ी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।